श्रद्धालुओं के लिए सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बाबा अमरनाथ की गुफा तक रोड। बाबा अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा में मौसम बाधा ना बन पाए, इसके लिए सरकार अमरनाथ गुफा तक 110 किलोमीटर लंबी सड़क बनवा रही है, जिसमें करीब 11 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। अभी श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा को करने में 3 दिन का समय लगता है, लेकिन इस सड़क के बनने के बाद यात्रा मात्र 8 से 9 घंटे में पूरी हो जाएगी। बांके बिहारी कॉरिडोर। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर और जैन में महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर मथुरा में भव्य बांके बिहारी कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। इलाहाबाद कोर्ट ने मंदिर के चारों तरफ 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। गलियारा बनने के बाद बिना धक्का मुक्की 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर में 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से शुरू होगा, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से, तीसरा रास्ता चौदान पार्किंग से शुरू होकर मंदिर तक पहुँचेगा। माँ कामाख्या कॉरिडोर। असम के गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या मंदिर का कायाकल्प भी इसी साल होगा। कॉरिडोर का एक ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया है, जिसमें आप पहले से ही भविष्य के अत्याधुनिक कामाख्या कॉरिडोर का नजारा देख सकते हैं। नए कॉरिडोर में 1,00,000 वर्ग फुट खाली क्षेत्र होगा, जिसमें भक्तों को माँ कामाख्या के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर। राम मंदिर और बांके बिहारी कॉरिडोर के साथ ही उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 331 करोड़ की लागत से मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2 मंजिला का 50 फीट चौड़ा परिक्रमा पथ तैयार हो चुका है। 2024 में इसके पूरी तरह बनकर तैयार होने की उम्मीद है। कैलाश मानसरोवर के लिए नई रोड। अब कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए आपको चीन या नेपाल जाने की जरूरत नहीं है। सरकार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सीधे कैलाश मानसरोवर तक 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनवा रही है। प्रोजेक्ट का 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बाकी बचा 10% काम 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। माँ वैष्णो देवी धाम तक एक्सप्रेसवे। 2024 में एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने वाला है, जिससे माँ वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचना तो आसान होगा ही, साथ ही सिख पंथ के कई पवित्र स्थलों को भी कनेक्टिविटी देगा। हम बात कर रहे हैं 670 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की, जिसके बनने से दिल्ली अमृतसर के बीच का सफर 8 घंटे से घटकर 4 घंटे और दिल्ली से कटरा जाने में 14-15 घंटे की जगह 6 घंटे का समय लगेगा। इसकी मदद से भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन बड़े आराम से कर सकेंगे। चार धाम परियोजना। इस प्रोजेक्ट के जरिए सरकार यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले भक्तों को सुलभ रास्ता देना चाहती है, जो मौसम की मार को बर्दाश्त कर सके। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 899 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, जिसमें 2 सुरंगें, 15 पुल, 5 बड़े ब्रिज, 18 यात्री सेवा केंद्र और 13 बाईपास बनाए जा रहे हैं। न्यू पंबन ब्रिज। रेलवे इंजीनियरिंग मार्बल न्यू पंबन ब्रिज भी 2024 में बनकर तैयार होगा। तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास बन रहा अनोखा ब्रिज ट्रेन के आने पर पटरी बिछा देगा और जब जहाज या स्टीमर को निकलना होगा तो खुद से ऊपर उठ जाएगा। न्यू पंबन ब्रिज उन श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगा जो रामेश्वरम धनुषकोडी की यात्रा करना चाहते हैं। शारदा पीठ यात्रा। 2024 में पीओके में स्थित शारदा पीठ के दर्शन करने का सपना भी पूरा हो सकता है। बीते साल पीओके असेंबली ने 5,000 साल पुराने शारदा माता पीठ में तीर्थ के लिए भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। 2023 में जम्मू कश्मीर के करनाह सेक्टर में शारदा मंदिर का उद्घाटन करने के बाद शाह ने कहा था कि सरकार आने वाले दिनों में शारदा पीठ यात्रा के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक गलियारा खोलने का प्रयास करेगी। 2014 के बाद किस तरह से धार्मिक स्थानों का पुनरुद्धार हुआ, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। काशी कॉरिडोर, महाकाल लोक, बाबा केदारनाथ धाम का कायाकल्प देशवासियों के सामने ऐसे अनेकों उदाहरण है जो बताते हैं कि मोदी सरकार ने जो संकल्प 2014 में लिए थे वो आज भी सिद्धि तक पहुंच रहे हैं और 2024 में पूरे होने वाले ये 10 प्रोजेक्ट भारत में सनातन का सूर्योदय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।